दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में जब विराट कोहली टीम में वापस आ जाते हैं और SSV जायसवाल की फिटनेस अपडेट आ जाती है। जी हाँ, पिछले टी20 मुकाबले में जायसवाल को मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे और ऐसे में शुभमन गिल को मौका दिया गया था ओपनिंग करने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जायसवाल अगर आ जाते तो क्या गिल को मौका मिलता है या फिर नहीं, और मौका मिलता है तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि नंबर 3 पे तो विराट कोहली खेलेंगे। तो फिर जायसवाल के आने पर क्या गिल बाहर हो जाएंगे या फिर कौन और प्लेयर बाहर होने वाला है? तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार भारत के दूसरे टी20 मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 बनती है। और पिछले मुकाबले में तो हालांकि सुमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, रन ज़्यादा नहीं बना पाए थे, लेकिन तेज तर्राट बल्लेबाजी कर रहे थे, फाइनली फिर वो आउट हो जाते। लेकिन गजब की बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में शुभम दुबे ने। जी हाँ, शुभम दुबे ने 40 गेंदों में 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और साथ ही एक विकेट भी चटकाया था, जिसके चलते भारत ने पहला टी20 मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया था। शुरुआती 2 झटके लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद भारत कहीं मुश्किल में ना आ जाए, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत ने पहला टी20 मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया था। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से बनती है। दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जायसवाल पूरी तरह से फिट हैं दूसरे टी20 मुकाबले के लिए तो जायसवाल ही ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि जायसवाल ही भारतीय मैनेजमेंट की पहली पसंद है। राहुल द्रविड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया था कि रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए गिल को मौका दिया गया था। तो फिर नंबर 3 पर आते हैं विराट कोहली, जिसमें कोई शक शुबा है नहीं। विराट कोहली वापस आ रहे दूसरे टी20 मुकाबले से और वो दोनों टी20 मुकाबले खेलेंगे। जी हाँ, विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे और नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए सुमन गिल के लिए कोई जगह बनती नहीं है, और नंबर 4 पर तिलक वर्मा ही बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। जी हाँ, उसके बाद नंबर 5 की अगर बात करें तो नंबर 5 पर आपको जीतेश शर्मा, जी हाँ, जीतेश शर्मा बल्लेबाजी करते हुए नज़र आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि शिवम दुबे ने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन उनको भी यहाँ पर मौका नहीं मिला। जी हाँ, शिवम दुबे की भी जगह नहीं बन रही दूसरे टी20 मुकाबले में। तो नंबर 5 पर जीतेश शर्मा हो जाते और नंबर 6 पर होंगे आपके रिंकू सिंह। तो भाई, रिंकू सिंह के नंबर 6 पर आ जाने के बाद अब नंबर 7 पर भारत के लिए वो जो दो स्पिनर ऑलराउंडर आप खिलाने वाले हैं टी20 मुकाबले में, वो होंगे एक तो वॉशिंगटन सुंदर और दूसरे होंगे आपके अक्षर पटेल। अब इस मुकाबले में 8 जो स्कॉट हैं वो कंप्लीट हो जाते। अब बचते 3 तेज गेंदबाजों की, जहां पर हमने पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 2 ही तेज गेंदबाजों को खेलते हुए देखा था, हालांकि छठवें गेंदबाज के तौर पर शिवम दुबे खेले थे। लेकिन इस दूसरे टी20 मुकाबले में आपके लिए जो 3 तेज गेंदबाज होंगे वो होंगे पहले तो अर्शदीप सिंह, दूसरे होंगे मुकेश कुमार और तीसरे होंगे आवेश खान। जी हाँ, ये तीनों तेज गेंदबाज आपको दूसरे टी20 मुकाबले में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो यार ही एक लाइक तो बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।